सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्या आपके कीबोर्ड में जब आप टाइपिंग करते हो तो लैग करता है, स्लो होता है, टाइप कर देते हो जल्दी जल्दी जल्दी, अब मैसेज किसी को भेजना होता है तो जल्दी जल्दी टाइप कर देते हो आप, लेकिन वो धीरे 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 वहाँ पे वो टाइपिंग होता है, स्लो होता है आपका, और जब डिलीट करते हो कुछ भी तो बहुत धीरे धीरे डिलीट होता है। तो ये क्या होता है कि बहुत सारे डेटा जो होता है आपका, वो टाइपिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब जैम हो जाते हैं, सेव होकर रह जाते हैं, डेटा फुल हो जाता है आपका। तो उसे किस तरह से हम खाली करेंगे एंड हमारे टाइपिंग स्पीड को हम इंक्रीज़ करेंगे, मैं आपको एकदम प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ट्यूटोरियल बताऊंगा मैं आपको, पूरी तरह से समझाऊंगा किस तरह से होता है। सो स्टेप बाय स्टेप आप इसे देखते रहिए, एंड अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर कर दीजिएगा। सो जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ कि कितना स्लो हो रहा है मेरा टाइपिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, मैं फास्ट ही टाइप कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा स्लो है, और अभी मैं डिलीट करूँगा थोड़ा, देखिए किस तरह से दी, ये देखिए मैं प्रेस करके रखा हूँ, ठीक है, फिर भी कितनी स्लोली डिलीट हो रहा है देखिए, ठीक है। तो ये होती है प्रॉब्लम, तो इसे हमें रिमूव करना है। इस प्रॉब्लम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर में जाके अपना जी बोर्ड को अपडेट मारिए, अगर अपडेट नहीं होगा तो अपडेट करिए। मेरा यहाँ पे अपडेट मैं कर चुका हूँ, तो यहाँ पे ये अपडेटेड है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, अभी हम जाते हैं सेटिंग की तरफ, ठीक है। सेटिंग में जाइए, एडिशनल सेटिंग में, और कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड होगा, ठीक है। हो सकता है आपका ये कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड आपका किसी और मतलब सामने में ही दिख जाए किसी और फ़ोन में, मेरा यहाँ पे ऐसे ही दिखता है। तो यहाँ पे आप जीबोर्ड के ऑप्शन में जाएंगे, जीबोर्ड आपका तो अपडेट कर चुके हैं, तो अभी हम जीबोर्ड पे क्लिक करेंगे और जीबोर्ड में सीधे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे एडवांस्ड लिखा होगा, ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे एडवांस्ड, इस एडवांस्ड में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एकदम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिलीट लर्न्ड वर्ड्स एंड डेटा, जो भी डेटा वगैरह रहा होगा वो सब यहाँ पे सेव्ड है, उसे हमें यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। मैं यहाँ से फिर से जा रहा हूँ एडवांस में, आपको फिर से शो करा रहा हूँ, देखिए ये, देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है 7690, हर किसी का अलग अलग नंबर रहता है, ठीक है, वो 4 डिजिट का एक नंबर आएगा, उसी नंबर को आपको यहाँ पे नीचे टाइप करना होता है, सेम नंबर को आपको देखकर टाइप करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 7690, ओके, ये हो गया 7690। अब ओके जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो देखिए नीचे लिखा हुआ क्लियर्ड, सारे डेटा क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। बस इतने से ही हमारा काम नहीं बनेगा, हमें और एक स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, ऐप मैनेजमेंट में जाएंगे, ऐप लिस्ट मतलब ऐप्स जो रहता है आपका, हर किसी के फ़ोन का अलग अलग सिस्टम रहता है, लेकिन मेरे यहाँ पे ऐप लिस्ट लिखा हुआ है, तो उस ऐप लिस्ट में जाएंगे और जी बोर्ड जहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा उस जी बोर्ड को क्लिक कीजिए, फोर्स स्टॉप लिखा हुआ है यहाँ पे, फोर्स स्टॉप, तो आपको ऐसे ही यहाँ पे फोर्स स्टॉप कर देना है, और स्टोरेज यूसेज में जाना है, ठीक है। नीचे जो है स्टोरेज यूसेज में जाके यहाँ पे देखिए क्लियर डेटा और क्लियर कैश, ये दोनों करना है आपको, ठीक है, बहुत ईजी है। ये जैसे ही क्लियर हो जाता है आपका, डेटा खाली हो गया, तो पूरा जो आपका जी बोर्ड है एकदम स्टार्टिंग जैसे इंस्टॉल्ड होता है वैसे ही हो जाएगा। तो अभी हम जाके अपना चेक करते हैं कि टाइपिंग में कुछ सुधार आया है या नहीं, या उसी तरह से लैग कर रहा है। ये देखिए काफ़ी फास्ट हो गया है, और डिलीट भी कितना जल्दी हो जाएगा, देखिए टाइप कर दिए कितना फास्ट हो रहा है, और देखिए डिलीट कितना फास्ट हो रहा है देखिए, ठीक है। तो हो गया हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व, बस इतनी ही कुछ सेटिंग्स होती हैं। फिर कुछ दिनों में जब आपका डेटा फुल हो जाए तो इसी तरह से खाली कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस था ये, यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच। सो ये इन्फो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपका भी टाइपिंग का वो जो स्लो होने का जो प्रॉब्लम था वो अगर सॉल्व हो गया हो तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ये आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, टिल देन जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।